अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कैपकट की एक नई वीडियो। पिछली वीडियो में आपको याद हो तो मैंने आपको कैपकट की इंस्टॉलेशन करवाई थी विंडोज़ में। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो यहाँ ऊपर आपके पास लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखना है, आज की वीडियो में हम कैपकट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कैपकट में कौन से हम इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसमें ट्रांजिशंस कौन कौन सी है, हमने वीडियो कट किस तरह करना है, ऑडियो रिमूव किस तरह कर सकते हैं, कोई नई ऑडियो अपनी वीडियो में ऐड करनी है वो हम किस तरह कर सकते हैं, वीडियो में इफेक्ट्स वगैरह हर चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर मैं आपको कैपकट मुकम्मल करवा दूँगा। उसके बाद जो उसकी एडवांस की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं अपनी, उसको मैं छोटी छोटी वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कैपकट इतना करवा दूंगा कि आप अपनी कोई सिंपल सी वीडियो, जैसे यूट्यूब की कोई वीडियो होगी या कोई फंक्शन की वीडियो होगी, आप उसको एडिट कर सको। तो बगैर वेट किए चलते हैं अपने कैपकट में और देखते हैं कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, ये मैंने ओपन कर लिया कैपकट। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हो गए वो आएंगे, यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपने क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट कर लेना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा थोड़ा सा ये वेट लेगा और हमारा न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ये देखो, ये हमारे पास ओपन हो गया है। इसके इंटरफेस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, इस वीडियो में फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके इंटरफेस के बारे में। यहाँ पर हमारी जितनी भी फाइल्स होगी, जितनी भी हमारी वीडियोज़ होगी ना, हमारा डाटा जितना भी होगा वो सारा यहाँ पर आएगा। ये हमारी टाइम लाइन है, इस पर हम काम करेंगे। ये हमारी प्रीव्यू विंडो दी गई, यहाँ से हम अपनी वीडियो का प्रीव्यू देखेंगे और यहाँ पे वीडियो की डिटेल दी जाएगी और हमने जो भी इसका साउंड स्लो करना है, ज़्यादा करना है, रिमूव करना है, जो भी नए इफेक्ट्स लगाने हैं वो हमारे सारे ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, इसके बारे में हम सारा कुछ आज की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको मुकम्मल कवर करवा दूँगा कैपकट आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करके अपनी मैं वीडियो इम्पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये कुछ क्लिप्स ले आता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं ये वीडियोस इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक ये वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। ये जैसे मैं क्या करूँगा, ये सारी की सारी मेरी वीडियोस यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। अब ये देखो, जैसे मैं वीडियो के ऊपर जाके होवर कर रहा हूँ ना, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है एक प्लस का, यहाँ पे जैसे मैं इस पर लेके जाता हूँ ना, देखो यहाँ लिखा आ रहा है ऐड टू ट्रैक। तो अगर हमने अपनी वीडियो को अपने टाइम लाइन में लेके आना है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो वीडियो मेरी इस टाइम लाइन में आ जाएगी। आपने इसको, अगर आप कहते हो कि ये वीडियो मैंने डिलीट करनी है, तो आप इसको सेलेक्ट करके जैसे ही अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस का बटन दबाओगे ना, तो ये आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी। एक और तरीका भी है अपना इसको अपनी टाइमलाइन में लाने का, आपने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ देना है, तो ये देखो इस तरह भी टाइमलाइन में आ गई। ये देखो, ये आपकी प्रीव्यू विंडो आ रही है, आपने इसको प्ले करके देखना, आप इस पर प्ले करके देख सकते हो। जैसे मैंने इसको किया, ये आपकी वीडियो प्ले हो गई है। इसको यहाँ से पॉज कर दो, आप ये काम स्पेस बटन से भी कर सकते हो। अब ये देखो, आप ये वीडियो इस टाइम सेलेक्ट है अपनी, इस वजह से ये सारे ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं। जैसे मैं इसको अनसेलेक्ट करूँगा ना, तो ये देखो, ये हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग आ रही है, प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है, यहाँ से हम अपना नेम देख सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करके अपना नेम चेंज कर, इसका मैं नाम रख देता हूँ डेमो। जैसे मैं इसका नाम डेमो रख के एंटर करूँगा ना, तो ये हमारा नाम देखो यहाँ भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमारी डिटेल्स आ रही है, ये वीडियो कहाँ पर सेव है बड़ी, ये सारे ऑप्शन वहाँ पर आ रहे हैं। ये देखो, इसकी रेजोल्यूशन आ रही है, हर चीज़ आ रही है। यहाँ पर ये दिया गया स्केल का ऑप्शन, ठीक है, इसको आप साइज़ ज़्यादा कम कर सकते हो, साइज़ इसका जो जूम है ना, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसके अलावा जब आप ये देखो, यहाँ पे वीडियो अनसेलेक्ट है अभी, यहाँ से देखो अनसेलेक्ट है वीडियो। जब मैं वीडियो को सिलेक्ट करूँगा ना, तो ये देखो ये ऑप्शंस आ गए हैं। इसके ज़रिए मैं पकड़ कर ना, इसके जो साइज़ है अपने, इसका जूम कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें मैं एनिमेशन भी लगा सकता हूँ, उसको भी हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अगर वीडियो किसी वजह से अनसेलेक्ट है, आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया स्केल, यहाँ पे पोजीशंस दी गई है। पोजीशन ये है कि आप इसको कहाँ रखनी है वीडियो, ठीक है, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो इसको। आप इसको जैसे करोगे, देखो वीडियो को आपको हल्की सी मूव होती नज़र आ रही है। ये पोजीशन एक्स है इसका, ये पोजीशन वाई है, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो वीडियो को, आपने कितनी रोटेट करनी है, ठीक है, ये वो चीज़ दी गई है। उसके अलावा ये देखो, आपको ये सजेशंस भी देता है कि आप इसको सेंटर कहाँ बन रहा है इस वीडियो का। ये देखो, यहाँ पे सेंटर बन रहा है बिल्कुल, आप इसको यहाँ पे रख दो तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो ये ऑप्शंस बहुत ही इसके अच्छे हैं, पर आपके बहुत हेल्प करते हैं आपको वीडियो एडिट करने में, आपकी इसको पोजिशन सेलेक्ट करने में कि आपकी पोजिशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आगे दिया गया कटआउट्स, ये भी कुछ ऑप्शन है पड़े। मास्क, यहाँ पर आपने अपनी वीडियो किस साइज किस शेप में रखनी है, ठीक है। ये देखो, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं होवर करूँगा, हमारे जो भी प्रीसेट्स बने हुए हैं ना, वो हमारे डाउनलोड हो जाएंगे। एक बार आपने डाउनलोड कर लिया ना, फिर आपको जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हो। आप ये सर्कल पे क्लिक करोगे तो
तो ये देखो आपका सर्कल बन गया। आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, ये वीडियो भी आप देख रहे होगे, नीचे साइड पे जो सर्कल बना हुआ है ना, वो इस तरह ही बनाया है। अब ये देखो ये सर्कल बन गया है। अब आपकी जो भी वीडियो प्ले होगी ना, इसी सर्कल के अंदर होगी। आपने एंटर कर देना है, आप इसको प्ले करोगे। ये देखो अब वीडियो प्ले हो रही है, लेकिन अब उसी सर्कल के अंदर प्ले हो रही है। देखो इसको मैं प्ले करता हूँ, वीडियो उसी सर्कल के अंदर प्ले हो रही है। आप इस सर्कल को सिलेक्ट करके जहाँ मर्जी रख सकते हो, उसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हो। उसका साइज़ आपने जितना रखना है उतना साइज़ रख के इसको जहाँ मर्जी रख सकते हो। मेरी वीडियो ये साइड पे पड़ी होगी ना, मेरी जो वीडियो साइड पे आ रही है वो इसी ऑप्शंस के जरिए आ रही है, इस मैंने इसी तरह किया हुआ है। आप जैसे इसको अनसेलेक्ट करोगे, हमारा ये साइड पे आ जाएगा। मैं इसको प्ले करता हूँ, देखो ये वीडियो हमारी प्ले हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी वीडियो को मास्क वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर इनहेंस दिया हुआ है, ये इनहेंस है बड़ा। यहाँ पर ये कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं जो आप ब्यूटी कैमरा यूज़ करते हैं या कोई और कैमरा यूज़ करते हैं, जैसे कि स्नैपचैट वगैरह हो गया या कोई इनशॉट वगैरह हो गया मोबाइल फ़ोन्स में, तो उसमें भी ऑप्शंस होते हैं। इसमें ये देखो यहाँ पे मेकअप का दिया गया है, यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं। असल में ना ये तब काम करता है जब आपका ना फेस हो वीडियो के अंदर। यहाँ पे कोई फेस वाली वीडियो नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इनेबल्स नहीं हो रहे। यहाँ पे तब ये इनेबल हो गए जब आपकी वीडियो में कोई फेस हो गया, जैसे मेरी वीडियो इसमें मेरा फेस आ रहा है ना, तो इस पर जितने फिल्टर हो गए मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। आगे यहाँ पे है बट ऑडियो, ऑडियो को मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। आप इस साइड पे लेके जाओगे ये कम हो रही है, यहाँ पे लेके जाओगे ज़्यादा हो रही है। ये फेड इन फेड आउट का ऑप्शन है बड़ा, कि आपकी वीडियो कितनी भारी हो कितनी ब्रीक हो। ये नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बड़ा। आपकी वॉइस में, आपकी आवाज़ में जो भी नॉइस है बड़ा, जो भी शोर है बड़ा, आप इसको इनेबल करोगे ना, तो आप वो शोर जितना हो सके कैपकट इसको कम करने की कोशिश करेगा। नीचे यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स दिए गए हैं कि आपकी वीडियो में कौन कौन से इफेक्ट्स हो, ये आप इसको सारे अप्लाई करके देख लेना। जैसा आपको इफेक्ट अच्छा लगे आप वही अप्लाई कर लेना। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ दी गई है कि वॉइस की स्ट्रेंथ कितनी हो। आगे यहाँ पे स्पीड दी गई है, आप स्पीड को नॉर यहाँ से बढ़ा सकते हो। स्पीड स्लोमो बनाना है, आप यहाँ से स्लोमो बना सकते हो। स्पीड कम कर दोगे स्लोमो बन जाएगा, स्पीड ज़्यादा करोगे वीडियो हमारी फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। ये तो दिए गए सिंपल स्पीड, यानी कि पूरी वीडियो की स्पीड एक जैसी रहेगी। यहाँ पर आगे दी गई है कर्व्स, अगर आपने मोबाइल फ़ोन्स में कैपकट यूज़ किया, ये ऑप्शंस वहाँ भी है, सेम सेम वही ऑप्शंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे मोबाइल में आपके पास लिमिटेड स्पेस होती है, यहाँ पे आपको कोई अच्छी स्पेस मिल जाती है। आपके पास माउस होता है, आपके पास कीबोर्ड होता है, आप इससे प्रॉपर काम कर सकते हो। यहाँ पर कुछ ये कर्व्स दी गई है कि आप यहाँ पर स्पीड नॉर्मल रहेगी, यहाँ पर फास्ट हो के नीचे फुल काम हो जाएगी, फिर आगे फिर नॉर्मल हो जाएगी। ये कर्व्स दी गई है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है, ये भी आप लगा के देख लेना अपनी वीडियो में। यहाँ पे आगे दी गई एनिमेशंस। अब ये अपनी वीडियो को मैं कर लेता हूँ नॉर्मल। नॉर्मल करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये दिया गया ऑप्शन ठीक है अंडू का, आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हो। यहाँ पे से आप अंडू करोगे ना, तो आपकी वीडियो पहले जैसी हो जाएगी। देखो इसको मैं अंडू करता जाता हूँ, ये देखो वीडियो मेरी पहले जैसी हो गई है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ ये एनिमेशन इस पर, ठीक है। ये देखो ये एनिमेशन दी गई है, बता रहे हैं कि आपकी एनिमेशन किस तरह स्टार्ट होगी। इस पर मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा प्ले, ये देखो एनिमेशन हमेशा वीडियो के स्टार्ट में लगेगी, ये आपको बताता हूँ। अगर आपने किसी स्पेसिफिक एरिया में लगानी है तो आपको वो वीडियो वहाँ से कट करनी पड़ेगी। वो आप कट किस तरह कर सकते हैं, उसे आप कहते हैं स्प्लिट। ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्प्लिट का, इसकी शॉर्टकट की क्या आ रही है, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी दबाओगे ना तो ये आपकी वीडियो कट हो जाएगी। आप यहाँ से जैसे क्लिक करोगे, ये देखो वीडियो हमारी कट हो गई, ये अलग हो गई है, ये अलग हो गई है, हमारी दोनों वीडियोस कट हो गई आपस में। कंट्रोल जेड करोगे पहले जैसी हो जाएगी, ठीक है। ये देखो अभी पहले जैसी एक वीडियो बन गई है। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी करूँगा ना, तो ये देखो वही वीडियो फिर कट हो गई है। तो अगर आपने इस जगह पर लगाना है एनिमेशन, आपने क्या करना है, आपने जाके जस्ट एनिमेशन पे क्लिक करना है, एनिमेशन आपकी लग जाएगी। अब देखो मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। पहले हमारी ये वाली एनिमेशन लगी है फेड वाली, देखना यहाँ पे आई ये वाली एनिमेशन लग गई है हमारी। तो आपने जहाँ जहाँ एनिमेशन लगानी वहाँ से आप वीडियो कट करो और एनिमेशन लगा दो। आगे यहाँ पर ट्रैकिंग दी गई है, ये हम आगे जाके देखेंगे। ये दी गई एडजस्टमेंट, आप अपनी वीडियो के ऊपर कौन से इफेक्ट डाल सकते हो। देखो टेम्परेचर, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस वगैरह सारा कुछ दिया गया, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी वीडियो पे। देखो किस तरह के इफेक्ट्स आ रहे हैं अपनी वीडियो पे, आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो ये कंट्रास्ट दिया गया है, यहाँ से ये ब्राइटनेस दी गई है, आप ब्राइटनेस भी कर सकते हो। ब्राइटनेस आपने कितनी रखनी है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मैं इसके लिए ना वीडियो को अच्छी से ले आता हूँ, ठीक है। ये वीडियोस मैं दो मिनट डिलीट कर दूँ कंट्रोल ए करके, जैसे डिलीट करूँगा हमारी वीडियो डिलीट हो जाएगी टाइमलाइन से। ये वाली वीडियो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इस पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ।
ठीक है, एडजस्टमेंट में जाऊंगा, यहाँ से देखो ये ब्राइटनेस में ज़्यादा कर रहा हूँ, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। आप इसको एडजस्ट करके देख सकते हो आपकी वीडियो कहाँ पे अच्छी लग रही है। इसकी कोई लिमिट, इसके कोई स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं होती कि आपने यही वैल्यू देनी है, आपने देखना है कि आपकी वीडियो कहाँ पे अच्छी आ रही है, उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। जहाँ पे आपकी वीडियो अच्छी आ रही हो आपने इसको वहीं पर रख देना है। देखिए अब मैं इसको प्ले करता हूँ वीडियो को, ठीक है, ये देखो वीडियो मैंने प्ले की, आप देखो इफेक्ट कैसा आ रहे हैं, जबकि हमारी असल वीडियो ये थी। इसको मैं प्ले करता हूँ ना, देखना ये हमारी असल वीडियो थी। देखो उसने उसके कलर स्कीम सारी चेंज कर दी है। इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा हमारी ये वाली वीडियो होगी, देखो कितना फ़र्क आ रहा है दोनों वीडियोस में। किस वजह से, इसकी मैंने एडजस्टमेंट में जाके यहाँ पे ऑप्शंस इसके कुछ इनेबल किए, कुछ ऑप्शंस को मैंने वैल्यूज़ इंक्रीज डिक्रीज करके सारा कुछ एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी देखो वीडियो हमारी यहाँ से प्ले हो रही है, यहाँ से पॉज हो रही है, आपने फुल स्क्रीन पर वीडियो देखनी है आप यहाँ से फुल स्क्रीन में भी देख सकते हो, ठीक है। जब यहाँ से इसको प्ले करोगे ये देखो आपकी वीडियो ये प्ले हो रही है, ठीक है, यहाँ से आप इसको एग्जिट कर सकते हो। अब ये तो हो गया, हमारे ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो में ना वॉइस नहीं है कोई, इसलिए हम यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रही, तो ऑप्शन ऐप है सेपरेट ऑडियो। अब इस वीडियो में कोई ऑडियो नहीं है पर, इसके लिए मैं ले आता हूँ ये वाली वीडियो, इसके अंदर ऑडियो है पर, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास नीचे ऑडियो आ रही है, इसको मैं अलग करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये देखो आ रही है सेपरेट ऑडियो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस करोगे तो ये शॉर्टकट की है इसकी, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा हमारे पास ये वीडियो अलहदा हो गई है। अब मैं कहता हूँ ये वीडियो डिलीट हो जाए, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ये वीडियो हमारे पास से ख़त्म हो गई है। इसके नीचे मैं कोई और ऑडियो लगाना चाहता हूँ, वो मैं लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे दी गई आगे ऑप्शन दिया गया ऑडियो का, जिस तरह हमें बाकी इफेक्ट्स इसमें मिले ना कैपकट में, इस तरह हमें ऑडियोज़ के भी मिलते हैं। देखो हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हमें जो टिकटॉक में हम साउंड यूज़ करते हैं वो हमें साउंड यहाँ मिल जाते हैं। हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे अभी देखो ये डाउनलोड हो रही है, ऊपर देखता हूँ ये कोई हमारे पास डाउनलोड होगी, जैसे ये डाउनलोड हुई पड़ी है, इसको हमने ड्रैग करके इसके नीचे ला के रख देना है। अब मैं जब वीडियो प्ले करूँगा ना, देखना हमारे पास नीचे साउंड ये वाला प्ले हो रहा है, ठीक है, ये वाला हमारा साउंड प्ले हो रहा है। हमारे पास उतनी जगह पे साउंड है जितनी हमारी वीडियो है, तो आप साउंड को यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हो। आपने इसके लिए मैं अपनी टाइम लाइन को पहले छोटा करूँगा, ठीक है। आपने टाइम लाइन को किस तरह छोटा करना है, कंट्रोल दबा के अपने माउस व्हील को ड्रैग करोगे ना, ड्रैग डाउन, तो आपकी टाइम लाइन छोटी हो रही है, कंट्रोल मैंने दबा के रखा हुआ है। अगर आप अप करोगे तो ये ज़्यादा हो रही है। आप ये देखो नीचे यहाँ पे ये बन रहा है, ये छोटा बड़ा हो रहा है वीडियो के हिसाब से, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ पे आ गई, आप इसको यहाँ से पकड़ कर ना जैसे यहाँ पे लेके जाओगे, ये देखो आपके पास ये वाला आइकन आ गया है, ये देखो ये वाला आइकन आ गया है। इसको आप जैसे यहाँ पे लेके आओगे ना, जैसे ये लाइन आएगी इसको छोड़ देना। अब हमारी जो ऑडियो है वो इस वीडियो जितनी हो गई है हमारे पास, वो डिलीट नहीं हुई। इसको मैं दोबारा बड़ा करना चाहूँ ना वो भी कर सकता हूँ। वो किस तरह करूँगा, इसको मैं पकड़ दोबारा बड़ा करूँगा, ये देखो बड़ा हो रही है। इसको दोबारा जितना हमने रखना है उतना हम रख सकते हैं। इसको मैंने स्प्लिट नहीं किया, इसको मैंने छोटा कर दिया। अगर मैं स्प्लिट कर देता तो फिर हम उसको वीडियो को डिलीट करते, लेकिन फिर भी बड़ी हो जाती। जैसे इसको मैं अगर यहाँ से इतना बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ स्प्लिट, कंट्रोल बी करूँगा कि स्प्लिट होगी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अगर मैं इसको फिर बड़ा करना चाहता हूँ, ये तो बड़ी हो रही है हमारी वीडियो या ऑडियो। जितनी भी असल साइज़ की है, उसकी लेंथ जितनी भी है वो उतनी रहती है। उसको चाहे कट कर दे, उसको स्प्लिट कर दे, उसको वैसे ही हम कम लेंथ कर दे, वो हमारी उतनी की उतनी रहती है। हम उसमें से वो क्लिप्स दोबारा निकाल सकते हैं, तो ये उसी तरह मैं काम कर सकता हूँ। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है, लेकिन ये हमारे पास जो वीडियो आगे थी ना वो हमारे पास रह रही है। तो ये इस तरह काम करता है। यहाँ पर आगे दिया गया टेक्स्ट, आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। ये वाली मैं वीडियो ख़त्म करके अच्छी से वीडियो ले आता हूँ, यहाँ से मैं दोबारा यही वीडियो ले आता हूँ, ठीक है, यही वीडियो ले आया। यहाँ से मैं कोई टैक्स ऐड करना चाहता हूँ, ये दे रहा डिफ़ॉल्ट टैक्स, डिफ़ॉल्ट टैक्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इफेक्ट्स दिए गए हैं, इफेक्ट्स आपने कौन सा लगाना है, ये यानी कि फ़ॉन्ट इफेक्ट्स है बड़े, इसको बंद करके यहाँ पर दिया गया टैक्स टेम्पलेट्स। ये कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए पड़े हुए, आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैं यूज़ कर लूँ, ठीक है, इसको मैं ड्रैग करके ना यहाँ पे ला के रखूँ, ठीक है। इसको मैं जैसे ही इस पर लेके आऊँगा ना, तो देखना यहाँ पे हमारे पास ये आ गया टैक्स, हमारे पास यहाँ पे टैक्स लिखा आ रहा है। हमने टैक्स को चेंज करना है, यहाँ से जाके मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँगा, मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम लिख दिया अपना। अभी असल में इसका जो कलर है वो वाइट है, पीछे भी बैकग्राउंड भी वाइट हमारे पास आ रहा है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, इसके नीचे प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। आपने फ़ॉन्ट कौन सा लगाना है, इसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है। इसका कलर मैं करता हूँ ब्लैक, ठीक है। जैसे मैं ब्लैक करूँगा,
उसके बाद अब मैं इसको करता हूँ प्ले। तो ये देखो हमारे पास टैक्स लगा है, इसका मैं टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। इसके मैं टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा कर दिए ताकि ये थोड़ी देर के लिए हमारी स्क्रीन पर रुके आगे, ठीक है। ये देखो प्ले हुआ, थोड़ा टाइम लेगा, देखो एनिमेशन वही लगी है जो हमने इस टेक्स्ट की बाय डिफॉल्ट है अपनी टेम्पलेट ही बना पड़ा, प्रीसेट्स बने पड़े, हमने सिर्फ उसको यूज़ करना है। एनिमेशन वही लगी है, हमने सिर्फ उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, वो उतनी स्लो हो गई। अगर मैं इसको टाइम ड्यूरेशन कम कर दूँगा ये जल्दी आएगी, जल्दी चली जाएगी। तो आप इस तरह इनका यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिए गए। ये देखो ये ट्रेंडिंग पे आई है क्रिसमस का, सोशल मीडिया टाइटल आपने कोई बनाना, आप टाइटल बना सकते हो। वीलॉग के लिए दिया गया, स्पार्क के लिए दिया गया, सब टाइटल टैग हर चीज़ के लिए ऑप्शन दिए गए। मैं तो यहाँ से इसको यूज़ करके बहुत ही ईजिली काम कर लेता हूँ अपना, आप भी इसको यूज़ करो। इसके सारा कुछ फ्री है, आप डाउनलोड एक बार करके रख लो। नेक्स्ट यहाँ पे स्टिकर्स है अपने, ये स्टिकर्स आप ऐड कर सकते हो, इफेक्ट्स दिए गए हैं, ये इफेक्ट आपकी पूरी वीडियो पर इफेक्ट आ जाएगा। देखो आप जैसे इस पर होवर करते हो ना, ये आपको इफेक्ट थोड़ा सा चला के दिखाता है कि आप इफेक्ट किस तरह का है। देखो जैसे ये कि ये कलरिंग ऐड करेगा, ये क्या कर रहा है, कुछ मूविंग दे रहा है, मूविंग कर रहा है, ठीक है। इस तरह की ये आपको हर चीज़ बताता है, आप जैसे इस पर होवर करोगे ना ये आपको बताएगा। यहाँ पर ट्रांजिशन दी गई है, ट्रांजिशन क्या है कि एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो कैसे आए, ये वो ट्रांजिशन है। जैसे मैं इसमें ना एक कट लगा देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल बी कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाली मैं ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी ट्रांजिशन ऐड कर दी, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ अभी के लिए। अब देखना इसको मैं प्ले करता हूँ, ये मैं प्ले किया, ये देखो ये जो हल्का सा इफेक्ट पड़ा है ना, ये ट्रांजिशन की वजह से है। ये देखो ये जो इफेक्ट आया है ये ट्रांजिशन की वजह से आया पड़ा। तो आप ये सारे डाउनलोड कर सकते हो, ये देखो कितना ज़्यादा इसकी ट्रांजिशंस दी गई है, आप ये सारी के सारे यूज़ कर सकते हो। फिर ये देखो मेन चीज़ कि ये अभी सिर्फ एक ऑप्शन इनेबल हुआ पड़ा है, इसमें एम जी सोशल मीडिया इफेक्ट्स कैमरा बेसिक्स इतने सारे दिए गए, मास्क दिया गया। तो आप ये सारों को यूज़ कर सकते हो अपनी। ये ट्रांजिशंस ना ज़्यादातर यूज़ होती है जो आपने किसी फंक्शन की वीडियो एडिट करनी हो, या कोई यानी कि कोई इवेंट है उसकी वीडियो एडिट करनी हो, कोई यूट्यूब वीडियो है ना उसमें आप ट्रांजिशंस नहीं डालते, क्योंकि ट्रांजिशंस डालोगे ना वो वीडियो मज़ेदार नहीं बनती फिर। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ट्रांजिशन ऐड करता जाऊँ बार बार, छोटे छोटे क्लिप्स के बाद ट्रांजिशन ऐड कर दूँ, तो वो वीडियो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। तो ये वहाँ पे ट्रांजिशन अच्छी लगती है जहाँ पे आपने क्लिप्स बार बार चेंज करने हो, एक क्लिप्स के बाद दूसरा क्लिप आ रहा हो, और ट्रांजिशन भी वो वाली जैसे कि डिजोल्व हो गई थी तो ज़्यादा इफेक्ट ना आए, उस तरह की ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है अपनी। अब जैसे ये सर्कल वाली, ये वाली, ये इतनी यूज़ नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा वल्गर हो जाती है एक टाइम आता है, आप इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जो प्रोफेशनल्स हैं अपने वो तो इनको बिल्कुल यूज़ नहीं करते। यहाँ पे फिल्टर्स दिया गया है, फिल्टर्स हैं अपने, ये एडजस्टमेंट दी गई है, एडजस्टमेंट वही है अपने जो हमने यहाँ पे इस सेक्शन में पढ़ी थी, ठीक है। तो आपने जिस तरह आपने यहाँ से वीडियो ऐड किया, आप यहाँ से कोई ऑडियो भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से इम्पोर्ट करता हूँ, कोई ऑडियो ऐड कर लेता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर ऑडियो पड़ी हुई ये वाली, इसको मैं ऐड करता हूँ। ये देखो इसको मैं उठा के जैसे यहाँ पर लेके आऊँगा ये हमारी ऑडियो ऐड हो गई है। देखो इसको मैं प्ले करूँगा ना, हमारी ये वाली ऑडियो प्ले होगी, तो इस तरह आप अपनी ऑडियो भी ऐड कर सकते हो। कट का मैंने आपको बता दिया, आपने अपनी वीडियो स्प्लिट किस तरह करनी है, एक तरह से मैंने सारे ऑप्शन बता दिए। आप यहाँ से अपनी टाइम लाइन को जूम इन जूम आउट कर सकते हो, अगर आप माउस से नहीं करना चाहते, यानी कि व्हील अप व्हील डाउन करके, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब ये देखो ये वीडियो बीच में कट आउट भी पड़ी है, आप इसको बीच में ये गैप खत्म करना चाहते हो ना, आप वीडियो उठा के जैसे इसके पास लेके आओगे ना, ये मैग्नेट की तरह इसको खींचेगा, जैसे ये लाइन आएगी ना आप उसको छोड़ देना, ये इसको खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा, सारी की सारी स्पेस जो बीच में होगी ना वो कवर कर लेगा। इसको आप जहाँ भी जाके रखोगे ये वहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ से आपका ये सिलेक्ट टूल है, ये स्प्लिट टूल है, आप इसको स्प्लिट टूल करके जहाँ से जाके आप कट करना चाहते हो इस पर यहाँ पे क्लिक करोगे, आपकी वीडियो कट होगी। आपने फिर सिलेक्ट करने सिलेक्ट टूल आना है, सिलेक्ट टूल पे लेके आओगे, इसको सेलेक्ट कर लोगे, ये आ गया, ये आपकी आ जाएगी। ये यहाँ इसकी शॉर्टकट की है अपनी ए, और बी है अपनी शॉर्टकट की स्प्लिट की, आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, आप इनकी शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हो। आपने अपनी वीडियो की वॉइस यानी कि म्यूट करनी, ख़त्म नहीं करनी, आप जब उसको एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ पर आएगी। आप सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए फर्जी तौर पर आप इसको म्यूट करना चाहते हो, आप यहाँ से म्यूट भी कर सकते हो, आप इसको हाइड करना चाहते हो हाइड कर सकते हो। तो ये छोटे मोटे ऑप्शन है बड़े, इनका आप यूज़ कर सकते हो। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये ऑटो सेव है बड़ा, आप इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं, आपने काम किया जैसे किया वो खुद बखुद सेव हो जाएगा। किसी वजह से लाइट चली गई, आपका पीसी बंद हो गया, तो आपने जो काम किया वो आपका काम ज़ाया नहीं जाएगा, आपका काम सेव रहेगा। ये
यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है पड़ी। हाँ, यहाँ पे दिया गया शॉर्टकट का ऑप्शन, यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट है एवर है ना कैपकट के, वो सारे दिए गए हैं। आप इनका शॉर्टकट को याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी करना चाहते टाइम के साथ साथ आपको हो जाएगा। अब जो आखिरी ऑप्शन दिया गया है वो है अपना एक्सपोर्ट का। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक्सपोर्ट वाला डायलॉग ओपन होगा अभी। तो ये तो भैया हमारे पास ओपन हो गया। अब यहाँ से जाके टाइटल भी चेंज कर सकते हो। ये आपका पाथ दिया गया कि आपने अपनी वीडियो कहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है, रेजोल्यूशन आपने क्या रखनी है, रिकमेंडेड आप इसको रिकमेंडेड पर रखो। ये आपका कोडेक दिया गया कि आपने किस में करना है, आप हम ज़्यादातर इसमें करते हैं 8.264 पे। MP4 फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए FPS कि आपने कितनी FPS पे करना है, ये आप खुद देख लेना कि आपने कितनी FPS पे करना है। यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्ट ऑडियो, अगर आप इसको इनेबल कर दोगे ना तो आपकी एक फोल्डर बनेगा जहाँ पे जो आपने पाथ दिया होगा वहाँ पे वीडियो भी एक्सपोर्ट होगी और अकेली ऑडियो भी एक्सपोर्ट होगी, यानी कि जो वीडियो तो होगी उसके अंदर ऑडियो तो साथ ही होगी अटैच, लेकिन एक ऑडियो फाइल भी MP3 फाइल भी हमारे पास एक्सपोर्ट होगी अलग से। तो अगर आप सिर्फ MP3 वो फाइल चाहते हो तो आप इसको अनचेक कर दो और इसको चेक कर दो तो आपके पास सिर्फ ऑडियो फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, यानी कि आप वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। आपके पास कोई वीडियो है आप चाहते हो कि सिर्फ ऑडियो में कन्वर्ट हो जाए तो आप इस वीडियो को इसमें इम्पोर्ट करो, यहाँ पे आगे इसको अनचेक करके इसको चेक कर दो, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कि MP3 में करना है, इसके बाद एक्सपोर्ट करो, ये आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। आप देखो जैसे इस पर क्लिक करोगे आपकी ये एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, ओके कर दोगे ये कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देख लिया कि हम कैपकट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके सारे के सारे ऑप्शंस आपको बता दिए, लेकिन ये आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप इनका खुद यूज़ करके नहीं देखोगे। इसमें डिफरेंट इफेक्ट्स दिए गए हैं, आप उनका यूज़ करके डिफरेंट से डिफरेंट काम कर सकते हो। उसके अलावा बाकी जो मेन चीज़ें रह गई ना, जो कि बहुत ही अच्छी है, बड़ी एडवांस लेवल की है, जैसे कि आपने वीडियो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करनी क्रोमा की के ज़रिए, उसके अलावा एनिमेशंस किस तरह ऐड करनी, अपने से एनिमेशन किस तरह बनानी, की फ्रेम्स किस तरह बनाने हैं, उसकी मैं वीडियो थोड़े थोड़े टाइम बाद लाता रहूँगा। ये तो बेसिक सा था, मैंने कहा चलो इसकी एक बड़ी वीडियो बना कर ना सारा कुछ कवर हो जाए इसमें, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई ना 10-10, 5-5 मिनट की, उसकी मैं वीडियो बना कर ना साथ साथ लाता रहूँगा। तो अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट को जाके सेव कर लो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।